हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, आज ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट एक्स। आपको लोग पता है कि रियलमी 3 प्रो में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो कि बता दे रहा था कि यहाँ पे रियलमी 3 प्रो में आप लोगों को रियलमी OS देखने को मिल जाएगा। और जो बेटा टेस्टर थे वो लोग रियलमी एक्स का जो प्रोजेक्ट है, रियलमी 3 प्रो का रियलमी प्रोजेक्ट एक्स, तो उस प्रोजेक्ट एक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी प्रोजेक्ट एक्स का एक नया वर्सन रोल आउट हो चुका है, और उसी रोल आउट में क्या कुछ नया है आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप एक रियलमी 3 प्रो यूज़र है, आप के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि रियलमी का जो प्रोजेक्ट एक्स है, ये पहले लॉन्च हो गया था, और जो बेटा टेस्टर थे उनको ही रियलमी का प्रोजेक्ट एक्स मिला था, जिन्होंने रियलमी 3 प्रो के साथ उस बेटा टेस्टर में पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रियलमी का प्रोजेक्ट एक्स का जो पार्ट 2 है, जो सेकेंड अपडेट है, ये भी बेसिकली आएगा आपका उसी लोगों को जिन लोगों ने आपका जो कि रियलमी का जो प्रोजेक्ट एक्स वाला अपडेट था उसको साइन अप किया था, यानी बेटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं लोगों को आएगा। तो अभी बात करते हैं कि नया क्या कुछ आएगा। तो चलिए एक बार के लिए बात करते हैं नया चीज़ों के अंदर। सबसे पहले जो हमें देखने को मिल जाएगा वो होगा, तो आपको मैं यहाँ पे एक अपडेट लॉग दिखा रहा हूँ, आप पूरा देख सकते हैं। अपडेट लॉग के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फीचर्स के अंदर न्यू फीचर्स डार्क मोड, उसके बाद लिखा हुआ है 5 more apps कुड नॉट बी क्लोन, कुड बी क्लोन अब ट्विटर, फ्रीचार्ज, जोमेटो, स्विगी, स्नैपचैट, ये सब क्लोन हो सकते हैं। द एप्स क्लोन एप्स कैन बी इनक्रिप्ट, अनइनक्रिप्ट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऐप। 4 इज स्विच डेटा कार्ड इज इन नोटिफिकेशन सेड। 5 इज सपोर्ट ऑप्शन स्वाइप डाउन होम स्क्रीन टू ओपन द नोटिफिकेशन सेंटर। 6 सपोर्ट ऑप्शन अपडेट डू नॉट डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑन कॉर्नर इज अपडेटेड। हॉटस्पॉट ब्लिंकिंग बार इज डिलीटेड, ये बहुत ही अच्छी बात है। और रूट ब्लिंकिंग बार ऑल्सो इज डिलीटेड। फिक्स ए बग, प्राइवेट सेव कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम प्राइवेसी फोल्डर विदाउट पासवर्ड इफ़ द फिंगरप्रिंट ओपन द प्राइवेसी फोल्डर फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिला है कुछ अपडेट लॉग, जो कि है रियलमी प्रोजेक्ट एक्स पार्ट 2 है। सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, रियलमी प्रोजेक्ट एक्स पार्ट 2 का OTA जो नंबर है वो है W.78, यानी रियलमी OS पार्ट 2 का। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दूंगा, W.78 है OTA का नंबर। अगर आप रियलमी 3 प्रो के एक्स प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट लिए है तो आपको ये ज़रूर आएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं चेंजेस लॉक के अंदर क्या कुछ दिया गया। आप लोगों को तो सुना ही होगा कि डार्क मोड, तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ डार्क मोड का। और ये पिक्चर देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियलमी OS बिल्कुल कलरवाइज 6.01 की तरह ही है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे इंटरफेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इंटरफेस कलरवाइज 6.01 में रियलमी XT में भी सपोर्टेड है। और यहाँ पे अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो और भी अच्छा होता, पर यहाँ पे डार्क मोड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं अगर आप रियलमी XT में पार्टिसिपेट करेंगे तो। तो यहाँ पे मैं और एक पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ पे एक प्रूव है कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि सिस्टम अपडेटेड एन्जॉय सक्सेसफुली अपडेट टू RMX1851EX11.W.78। तो ये जो है आपका रियलमी OS का एक टोटल बिल्डर वर्सन है। पर आपको अगर यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेट को पूरी तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आप कलरवाइज 6.0.1 का डार्क मोड को देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं दिया गया है। और अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को देखते हैं, नोटिफिकेशन पैनल का ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, पैनल को देखते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है, खास कुछ चेंजेस किया गया नहीं है। तो भाई ये थी रियलमी एक्स का नेक्स्ट अपडेट, सॉरी रियलमी एक्स नहीं, प्रोजेक्ट एक्स का नेक्स्ट अपडेट, जिसका बिल्डर नंबर है W.78। और इसी के मदद से जिन लोगों ने रियलमी OS को पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के पास अभी डार्क मोड भी आ चुका है एज ए बेटा टेस्टर, ये कोई स्टेबल अपडेट नहीं है। तो बस भाई लोग वीडियो में इतना, इस वीडियो में मुझे यही बताना था। थोड़ा बहुत रिसर्च किया मैंने इस बात के ऊपर और देखा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन तो मिल रहा है। तो भाई बस वीडियो में इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।